प्यारे दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा इसे गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुजर गाँव के खेतों और हरियालियों में से होता था, तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसलिए ये लड़का रोज वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता और उनके लिए दुआ भी करता। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाक्य पेश आ रहा था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वाक्य की क्या वजह हो सकती है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता था, तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज तेज आवाजें आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है, और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने यह फैसला किया कि आज वह कब्रिस्तान में दाखिल होगा। आखिर किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तो कुत्ते के भौंकने की आवाज फिर से आने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गुरु अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही तो ये कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या मामला हुआ है कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा, तो ये फैसला किया कि आज शाम को जाकर वो गांव की पंचायत में सबको इस बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले ही इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो नौजवान अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। इसके बाद दोस्तों, उस कब्र में क्या हुआ, जब गांव वालों ने कब्र को खोला, तो उसके अंदर उन्हें क्या मिला, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब गांव की पंचायत में बड़े आलिमों और अहले इल्म ने ये फैसला किया कि इसकी कब्र कोसाई की जाए और देखा जाए कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसके लिए पहले तो गांव वालों ने मुर्दे के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। चुनांचे ये लोग इसके घर पहुँचे और घर वालों से तमाम हाल बयान कर दिया। तो इस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है, तो हमारी तरफ से आपको इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप खुद अकेले जाकर इस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहाँ पर मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र खोलकर देख लिया जाए कि आखिर क्या माजरा है। लिहाजा दोस्तों, इसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में से काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोदने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया, तो वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे, वो भी आसपास मौजूद थे और वो कब्र के आसपास मंडराते रहे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया, तो ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए, तो देखा कि इस कब्र में मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वो उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो वहां पर मौजूद थे, यानी जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन पर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी
कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर इसका ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक आजाब हो रहा था। दोस्तों अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और इस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस पर इतना खौफनाक आजाब नाजिल हुआ है कि मरने के सिर्फ 3-4 दिन बाद ही उसको कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे हैं। तो उसका भाई कहता है कि मैं ये जानता था कि ऐसा ही कोई मंजर आपके सामने आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि बताओ आखिर इसकी क्या वजह है। तो उस शख्स ने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना ही घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वह शराब पीकर अपने रिश्ते के मायने भी भूल जाया करता था। यहाँ तक कि वो मेरी माँ को गालियाँ देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़ा करता था। और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वह ऐसे ऐसे बदतरीन काम किया करता था जिसके बारे में मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये वो तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से उसको कब्र में इतना खौफनाक अजाब मिल रहा है और हम ये जानते हैं कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वाक्य के बाद आपको अंदाजा हो चुका होगा कि यह शराब नशा कितनी बड़ी लानत है और क्यों दीने इस्लाम ने मुसलमानों को इससे दूर रहने और इसे पीने से मना किया है। दोस्तों इस्लाम में शराब पीना या पिलाना बिल्कुल हराम है। एक मुसलमान को ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने और शराब जैसी बुरी चीजों से बचने बचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।